वहीं गरियाबंद के राजा पड़ाव इलाके में मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहवासियों और प्रशासन के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रखी है। अम्बेडकरवादी युवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे और सप्ताह भर पहले सौंपे गए मांग पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में कलेक्टर से बातचीत की। वहीं कलेक्टर ने अब तक की कार्यवाही से अवगत करा दिया। रहवासियों का कहना है कि अगर सप्ताह भर में उनकी समस्या का हल नहीं होता तो वे मूलभूत सुविधाओं का बॉयकॉट करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एसडीएम साहब को उसको हम लेकर के समीक्षा के लिए आए हुए थे। साहब ने बताया कि हर मामलों को लेकर के जो शासन स्तर की बात है, शासन स्तर की बात है, उसको लेटर लिखा गया है, डीओ लेटर लिखा गया बोल के साहब ने कहा है। स्थानीय स्तर के जितनी मांगे हैं उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, बोलकर उन्होंने कहा है। शिक्षक की जो व्यवस्था है उनको लेकर के साहब ने कहा है, डीओ साहब को निर्देशित करूंगा बोल के बोले हैं। और जहाँ पे एकल शिक्षक है वहाँ व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर सर को हम समीक्षा बैठक में बताया है कि नहीं, हम हर समस्या को हम ऊपर भेज दिए हैं, धीरे धीरे करके हो जाएगा, इसी करके बोला है। अब क्या करोगे आप लोग? हम अब हमारा क्षेत्रवासी से फिर चर्चा को वहाँ अवगत कराएंगे, फिर चर्चा बीमार विश्वास हो जाएगा, उसके बाद हम फिर जो भी आगे के निर्णय सोचेगा। शोभा क्षेत्र के लोग दो तीन बार आकर मिल चुके हैं और उनकी मांग सड़क पुल पुलिया बिजली व्यवस्था पानी की व्यवस्था वगैरह के बारे में, उसमें से कुछ मांगों को हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, कुछ मांगे शासन स्तर से स्वीकृत होकर आ चुकी हैं, जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, और नई मांगे जो आई हैं उन पर हम त्वरित कार्यवाही करने हेतु सभी विभागों को आज निर्देशित किया गया है कि आप अपनी तरफ से उसका प्रतिवेदन बनाकर